चली गई है ना, स्त्री का यही जीवन है, उसे अपना घर छोड़कर जाना ही पड़ता है। एक अनजानी चार दीवारी में एक नई दुनिया बसाई। एक दिन मैं भी इसी तरह आई थी, आज ऐसा लगता है कि इस चार दीवारी से मेरा जन्म जन्म का साथ है। उस दिन ये सब अनजानी थी जब कहा मेरी डोली उठाकर लाए थे।
ठीक है, मेरा क्या जाता है, मत करवाओ इंश्योरेंस। शादी के बाद बच्चे होंगे तो नानी तुम्हें याद आएगी। एक होगी, तीन होंगे, पांच होंगे, सात होंगे, तू अपने बाप का कौन सा बेटा है? मैं दसवां। खाता पीता है? हाँ हाँ, पेट भर के हट्टा पट्टा है। हाँ बिल्कुल, तेरे बाप ने इंश्योरेंस कराई थी? लो मेरे लड्डू का। खाना खाना है या हंसी खत्ते से ही पेट भरना है? खाने के नहीं चाहिए, यही भिजवा दो। चलो अंदर। शाबाश। क्यों, बहू को अपने हाथ से खाना नहीं खिलाएगा? मुझे क्यों मुंह खुला रखा है? बाबा मुझसे बोलती नहीं है। बोलती नहीं? हाँ उसकी हिम्मत है। चल तो देखती हूँ कैसे नहीं बोलती तेरे साथ। क्यों बाबू, क्या हम तुम्हें इसीलिए ब्याह कर लाए हैं कि तुम आते ही हमारे घर में लड़ाई करवा दो? मेरे छोटे से तुम क्यों नहीं बोलती? नहीं माँ, भाभी तो बोलती है, अल्लाह नहीं बोलने देती। अच्छा। नहीं। बंदर कहीं का मारूंगा। बंदर मस्तु चाचा आते हैं, अपने अपने बच्चों को हटा लो, मस्तु चाचा की छाया पड़ गई तो अब समझा कि मस्तू चाचा कहाँ गायब हो गए थे। अरे खुशी का मौका था, सोचा थोड़ी सी खुशी कराओ। थोड़ी सी की के ढेर सारी। थोड़ी सी क्या और ढेर सारी क्या मामा जी, मतलब तो खुशी से आना। पर इतनी खुशी करने की क्या जरूरत थी मस्तू चाचा, मोहल्ले भर को पता चल जाए। अरे छोड़ मोहल्ले वालों को, किसी को खुश देख कर वो खुश थोड़े होते। बहन एक गिलास पानी दो। हसो और हसो, अरे गिरने वालों पे तो लोग हमेशा से हंसते आए। हसो, मैं भी हंसता। अच्छा लो जाते हैं। मस्तु चाचा पहले स्कूल में पढ़ाया करते थे भाभी, सुना है पढ़ाते कम थे, कहानी ज्यादा सुनाया करते थे, इसीलिए निकाल दिए गए। अब वो हमारे किराएदार हैं। किराएदार क्या है, दो साल से किराया ही नहीं किया। अब वो कभी कभी मुझे टिकू को पढ़ाते थे। पढ़ाता वढ़ाता खाक है मुआ, मौत की रोटियां तोड़ता है। मेरा बस चला तो झाड़ू मार के निकाल दूं। तू है बड़ी निकालने वाली। निकाल देंगे तो जाएंगे कहां बेचारे, यही तो रोना है। अपना कोई घर घाट होता तो यहाँ क्यों मरता आकर? तुम चुप क्यों हो भाभी? मैं बताऊं, घर याद आता होगा। सच भाभी? कैसे मनाऊं ये बात, गुण मेरे एक हूं नहीं। कैसे मनाऊं ये बात, गुण मेरे एक हूं नहीं। आई मिलन की बेला, घबराऊं मन माही। कैसे मनाऊं पियवा, गुण मेरे एक हूं नहीं। कैसे मनाऊं पियवा, मेरे आए धड़कन बढ़ती जाए। साजन मेरे आए धड़कन बढ़ती जाए, नैना झुकते जाए, घूंघट ढलका जाए। लक्ष्मी है ना, मैंने माँ से पूछा था।
आज तेरी परछाई कैसे। माँ कहती थी तुम्हारे बाएं गाल पर तिल है, मेरे एक नारी कैसे मनाऊं पिया मेरे गुरु आई मिले। कश्ती चलाने वाला गा दरिया के किनारे, वही उसका घर है, वही उसका बसेरा। ये गीत मैंने कई बार सुना है यहीं से, पर इतना अच्छा कभी नहीं लगा जितना आज। जानती हो क्यों? आज ये गीत सिर्फ मैं ही नहीं सुन रहा हूं, हम सुन रहे हैं, मैं, तुम और मैं। माँ कहती थी जब तुम हंसती हो तो तुम्हारे मुंह से फूल झड़ते हैं, सच। जरा मैं भी तो देखूं। बहुत बुरा हूं मैं, तुम्हें रुला दिया। शायद जो मेरे दिल में है मैं कह नहीं सकता, शायद मैं इस धरती को अपने प्यार से तुम्हारे लिए स्वर्ग न बना सकूं, लेकिन इस बात विश्वास जरूर दिला सकता हूं कि अगर कहीं जीवन सागर में हमारी कश्ती के पतवार टूट गए तो उस वक्त मुझे इतना याद रहेगा मेरे साथ तुम हो और तुम्हारे साथ मैं हूं। का यही जीवन है, उसे अपना घर छोड़कर जाना ही पड़ता है। पराए घर में एक अनजानी चार दीवारी में अपने लिए एक नई दुनिया बसा ली। तुम्हारी तरह एक दिन मैं भी इस घर में आई थी, इसी कमरे में मेरी सास ने इस घर की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी थी। उस समय उस पल मैंने सोचा भगवान करे मैं भी एक बेटे की मां बनूं, मेरे जीवन में भी वो शुभघड़ी आए जब मैं अपनी जिम्मेदारी अपनी बहू को सौंप। आज वो शुभघड़ी आ गई है, मुझे बहू भी मनचाही मिली है। ये लो बहू, आज से ये घर तुम्हारा है, इस घर की हर चीज तुम्हारी है, इस घर के दुख सुख भी तुम्हारे हैं।
मेरा बोझ हल्का हो गया। अब मैं निश्चिंत होकर तुम्हारे घर के किसी कोने में बैठकर भगवान का नाम लिया करूंगी। दे सको तुम दो रोटी दे देना, नहीं तो तुम लोगों को सुखी देखकर ही जी लूंगी। पर इतना याद रखना बहू, ये चाबियों का गुच्छा सिर्फ चाबियों का गुच्छा ही नहीं, एक बंधन है, एक रिश्ता जो इस घराने की एक बहू को दूसरी बहू से मिलाता चला आ रहा है। कमेटी के नल लग गए, बस यही रह गया शैतान का चरखा मेरा हाथ तोड़ने को। कैसा? सारी गिनती मुझको ही सिखानी पड़ेगी? मास्टर मर गए हैं क्या? देखो बात। बस क्यों, अभी तो सर भी नहीं भीगा। ले कितनी? 10 नहीं 20। और आज क्या पकाया? गोभी के पराठे। खीर नहीं पकाई? आज से बंद। क्यों? खुद तो खाते नहीं, दफ्तर में दूसरे खा जाते हैं। खा नहीं जाते, मैं खुद खिलाता हूँ। क्यों? जब वो खाकर तुम्हारी तारीफ करते हैं मुझे बहुत खुशी होती है, मेरा पेट अपने आप भर जाता है। तो कल से खाना बिल्कुल बंद। कितने बजे आओगे? 5:15। क्यों, दफ्तर तो 5 बजे बंद होता है? 15 मिनट आने में भी तो लग जाते हैं। 10 मिनट में नहीं आ सकते? कैसे? साइकिल जरा तेज चला लेना। अच्छा हुआ तुम घर पर ही मिल गए। मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि हमारी कंपनी ने एक नई पॉलिसी निकाली है, इसमें पैसा कम देना पड़ता है और मैच्योर जल्दी हो जाती है। बताना पीछे, पहले जल्दी जाकर अपनी इंश्योरेंस करा ले भैया, मैं तुझे एक दिन ऐसा पीटूंगा कि सीधा परलोक सिधारेगा, मुझे जान बच जाएगी और तेरे घर वालों को एक साथ बहुत सा पैसा मिलेगा। देखो घर पर है, दूध पी के जा। गरम है? कहाँ है गरम? झूठा कहीं का पी। ये दे, बाहर जो बना है ना, तू जल्दी से पी ले। मैं तो कम ला बहू, मैं पिलाती हूँ, किसी दूसरे के हाथ से थोड़े ही पिएगा, माँ का लाडला है ना। ले बेटा, आंखें बंद करके झटपट पी जा, अच्छा लड़का है। कैसे नाक पकड़ा? ठाकुर लंबी है ना, दूध में डूब जाती तो अपनी नाक में चुप लगा। चुप, मैंने किया कि खिड़की में खड़े होकर बाल मत सुखाया कर, लेकिन तू है तो सुनती नहीं। मैं स्कूल जाऊँ?
मरना। नहीं माँ, रोटी देखता नहीं, पता ही नहीं है, एक दिन नहीं खाएगा तो मर नहीं जाएगा। ना तू पैदा होता ना वो मरती, ना मुझे इस नर्क में आना पड़ता। वो है मेरी माँ। कहाँ है चंबू? वो चमकीला तारा जो सबसे ज्यादा चमकता है। शंभू, तेरी माँ तारा कैसे बन गई? जब किसी की माँ मर जाती है तब वो तारा बन जाती है। जितनी ही प्यारी माँ उतना ही चमकीला तारा। शंभू, क्या तेरे बाबूजी भी तुझे प्यार नहीं करते? जब किसी की माँ तारा बन जाती है तब उसे कोई प्यार नहीं करता, सभी उसे मारते। मैं बताऊं, तुझे नई माँ क्यों मारती है? तू उसे नई माँ कहता है ना, इसीलिए। तू उसे माँ कहेगा तो वो कभी भी नहीं मारेगी। नहीं नहीं, मैं उसे माँ नहीं कहूंगा। मेरी माँ तो वो है टिक्कू, वो जिसकी आंखें मुझे देखकर चमक रही है। अरे शुभू, शुभू बच जा, जल्दी कर, यहाँ पे पानी छूटने वाला है, जल्दी कर, जल्दी कर। माँ मर जाती है तो तारा बन जाती है? हाँ। तो तुम्हारी माँ भी तारा बने थी? कौन सा तारा? क्या उल्टी सीधी बातें करता है, इतना जोर पढ़ाई में लगा है तो गधे से आदमी बन जाए। आज मस्तू चाचा से सबक पढ़ा था? ज्यादा पढ़ के क्या समय है माँ, अनु ने मस्तू चाचा से इतना पढ़ा कल नतीजा निकलने दो, फिर नहीं तब कहना। फिर कहा तूने? अब क्या कहते? अरे अनु, मेरी जीते से फिट रहे। देखो माँ, देख बेटा ऐसा नहीं कहते। देखो भैया, पहले ही मेरी जान निकली जा रही है, कल सवेरे ही नतीजा निकलने वाला है, फिर क्या क्या सब कुछ फेल कर देगा। पागल हुई है, तूने पर्चे अच्छे किए ना, फिर कैसे फेल होगी? चल जाके खाना खा ले। मैं नहीं खाती। देख बड़ी बहन है ना तेरी, कह दे पास उठ। हेलो। हाँ हाँ, कह दे। शरारती कही कब? चल कह दे, कह दे पास, कह दे, कह दे पास। चल जाके खाना खा ले। दसवीं तक पढ़ा लिया, अब आगे पढ़ने की क्या जरूरत है? लोग तो लड़कियों को इतना भी नहीं पढ़ाते। बेटी नहीं पढ़ाते होंगे, पर मैं तो अच्छे नंबरों से पास आई। आगे पढ़ने को जी चाहता तो क्यों ना पढ़ूं? हाँ जरूर पढ़ना चाहिए। पढ़ना तो जरूर चाहिए, पर कितना खर्चा आएगा भला? 20 रुपए महीना। 20 रुपए? हाँ भैया। मुझे जो तनख्वाह मिलती है वो तुम लोगों से चिपी नहीं, उससे तो घर का खर्चा भी पूरा नहीं होता। ठीक है, मेरी किस्मत में पढ़ना नहीं लिखा है तो ना सही, नहीं पढ़ूंगी। तू क्यों रोती है पगली? तुझे पढ़ना ही है ना, हम तुझे पढ़ाएंगे। कैसे? घर का खर्च कम कर लेंगे। कम कैसे होगा? धोबी को 7-8 रुपए महीना देते हैं, वो नहीं देंगे, कपड़े खुद धो लिया करेंगे। अन्नू मेरा हाथ बताएगी। क्यों अन्नू? बचे साथ, बाकी के
बर्तन भी खुद मांझ लिया करेंगे। बच गए साथ और जानकी के छुट्टे करके। इतने बरस से वो हमारे घर में है, यही बड़ी हुई है, यही बूढ़ी। अब इस उम्र में मैं उसे जाने को कहूँ? ना बहू, ये मुझसे नहीं होगा। चलो मान लिए, फिर भी बाकी के पैसे कहाँ से आएंगे? मैं अपना जेब खर्च नहीं लूंगा। मैं भी बहुत दिनों से सोच रहा था। चलो छोड़ दिया, 10 रुपए की और बचत हो गई। चल अन्नू, हो जा तो कल से कॉलेज में दाखिल। अब हंसना। हंसते क्यों नहीं? हंसना। झाड़ू मारा, देर करवा दी, बड़ा माली बना फिरता है। 25 बरस से फूल तोड़ती आई हूँ बगिया से, आज बोला पैसे दो। मुझे को अफीम नहीं मिली होगी ना रात को, देती हूँ पूजा के फूलों के पैसे। ये लो माली फूल। पैसे मांगता है तो दे दिया करेंगे जानकी? हाँ दे दिया करेंगे, जैसे पेड़ पर लगते हैं ना पैसे। हाँ तू सवेरे सवेरे बंधन कर किधर जा रही है? कॉलेज में दाखिल होने। वारी जाऊ हमारी बिटिया बिया करेगी, है माँ करेगी और शनु देवी बनकर लचकर देगी। माँ तो कल रात वाली बात पक्की है ना? हाँ पक्की है। तो जानकी आई है, बात कर लो। हाँ हाँ कर लो, तू जाना। चलो अनु, मुझे दफ्तर भी जाना। चलो। क्या बात करनी है माँ जी? कुछ नहीं। कुछ कैसे नहीं, अभी तो सुनील कह रहा था। तू जाना अपना काम कर, मत बताओ। जैसे मैं जानती नहीं, पीठ फिरते बुराई होने लगती है मेरी। हाँ रात के झूठे बर्तन कहाँ गए? मांझे क्यों, किसने मांझे? मैंने सोचा दिन भर बेकार बैठी रहती हूँ तो तुमने मान लिए। मैं मर गई हूँ क्या? माँ जी आपकी भी मत मारी गई है, कल की आई बहू आज बर्तन साफ करवाने लगी। कल जुग आया है, कल जुग। लाओ मुझे दे दो, मैं झाड़ू लगाई देती हूँ। तू क्यों लगाएगी, मेरे अभी हाथ पैर चलते हैं बहू। बात ये है जानकी, अन्नू को कॉलेज में पढ़ाना है ना, तो मैंने सोचा। सोचा? हाँ, मैंने सोचा घर का काम मैं कर लिया करूंगी। तुम कौन होती हो सोचने वाली? ये घर तुम्हारा है क्या? मैं पूछती हूँ सिर्फ, मुझे ही क्यों निकाला जा रहा है इस घर से? तू क्यों ना चली जाए, अनु क्यों ना चली जाए, जिको क्यों ना चला जाए, माजी क्यों ना चली जाए? मेरा ऐसा कौन सा बोझ है तुम लोगों पर? माजी साफ साफ कहो, तुम भी यही चाहती हो कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं? नहीं जानकी, तू काम कर, जो होगा सो देखा जाएगा। देखा जाएगा? क्या देखा जाएगा? तुम लोग समझते हो मुझे कहीं और काम नहीं मिलेगा? देश राम भरोसे दे, 1000 बार लाख बार 20 रुपए का रखने को कहा, जमींदार के यहाँ से 10 बुलावे आए, मेरे लिए एक छोड़ 1000 काम, यहाँ से दुगनी चौगनी पगार कर। मैं तो थूकती भी नहीं ऐसी नौकरी पर, पैर टूट जाए मेरे जो फिर कभी इस घर में आऊं। वो तो एक मैं ही थी जो पशु बनी यहाँ पड़ी रही, याद ही रोटी दे दो और मारना जितना मारना चाहो। बहु बर्तन मारना तो संभाल के, यहाँ फिसलन बहुत है, कहीं पैर ना फिसल जाए। एक बात तो माजी, कभी जरूरत पड़े तो बुला जरूर लेना। लक्ष्मी
लक्ष्मी पंखी का ऊपर ही तो है, याद नहीं है। ओफो, इतनी बला की गर्मी है और पंखी भी नहीं मिल रही। देखोगे तो नजर आएगी ना, वो क्या पड़ी है? कहा वो क्या? जब तुम डांटती हो तो सब कुछ मिल जाता है सिवाय इस चीज। क्या शर्म। अरे इस गर्मी में वो पौधा सूख जाएगा, इसलिए तो सेंच रही हूँ। सेंचने से भी सूख जाएगा, श्रद्धा से लगाया हुआ पौधा कभी नहीं सूखता। सुनील भैया, बाप रे, फिर आ गया मौत का फरिश्ता। लक्ष्मी जाके कह दो मैं घर में नहीं। ना बाबा ना, मैं नहीं झूठ बोलूंगी, तुम्हें जाके कह देना। मैं जाके कह दूं कि मैं घर में नहीं। सुनील भैया मारे गए। चीकू, 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 चीकू मेरा एक काम करेगा। क्या? वो बाहर जो आदमी है ना, आदमी नहीं इंश्योरेंस एजेंट, उससे जाके क्या देगा भैया घर में नहीं। मुझे क्या मिलेगा? ले लेना ना एक आना। अच्छा चुप आ जा, भैया घर में नहीं है। क्या ये ले? एक आना। ये तो है, ये तो काम करेगा। दूसरा झूठ बोलेगा। झूठ तो तूने बोला, मैं कहा ना और क्यों दूं? अच्छा तो मैं सच बोले आता हूँ। अरे टीकू डर, अरे मत डर टीकू, मैं देता हूँ। टीकू ये ले भैया, अपनी दूसरी टन बस। कब आए सुनील साहब? अभी अभी तुम्हारे छोटे भाई ने कहा तुम घर पर नहीं। मैं समझ गया था तुम घर में नहीं। बिल्कुल ठीक समझे, बिल्कुल ठीक समझे। मैं डॉक्टर के यहाँ से आ रहा हूँ, मेरे हाथ में मोच आ गई है। मोच आ गई? हाथ टूट भी सकता था। टूट भी सकता था? हाँ। अरे तभी तो कहता हूँ इंश्योरेंस करवा लो। लो कर दो पॉलिसी पे दस्तखत। कैसे करूँ मेरा हाथ, कैसे करूँ? अच्छा फिर कभी सही। हाँ। सुनील भैया मर गया, बिल्कुल मर गया। ये हाथ नहीं सुनील भैया, टूटा हुआ हाथ तो ये है। दस्तखत, दस्तखत करने वाला हाथ तो ठीक हो गया ना? दस्तखत करने वाला नहीं, ताप तोड़ने वाला। झुक 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 झूम घटा छाई रे, मन मोरा लहराए। पिहू 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 पपिहा गाए। अरे झुक 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 झूम घटा छाई रे, मन मोरा लहराए। पिहू 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 पपिहा गाए। अरे झुक 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 झूम घटा छाई रे, घटा छाई रे।
जाई रे। छोड़ो ना, कोई देख लेगा। कोई नहीं देखता। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। से पहले जब पिताजी तुम्हें देख कर आए थे तो मैं डर गई थी। जाने तुम कैसे होगे, कैसा सुबह होगा तुम्हारा। कैसा बताओ ना। नहीं बताती। मैं बताएगी? नहीं बताएगी? नहीं बताएगी? नहीं बताएगी? अच्छा अच्छा बताती हूँ। बहुत बुरे हो तुम। ओहो हाँ माँ जी। ओहो भीग गई ना, बारिश हो रही है माँ जी। ऊपर क्या करने गए थे? बिस्तर उठाने, सब अंदर रख दिए, एक भी नहीं भीगने दिया। हाँ बिस्तर सूखे रह गए तो भीग गए। चल जा, जा कपड़े बदल जाकर जल्दी। हाँ जा जल्दी जाके बदल। यही तो मैं से कहने गया था माँ। हाँ हाँ जानती हूँ मैं सब, तेरा तो बस यूँ ही ब्याह कर दिया, वह रह रहता तो अच्छा था। कुछ तो भीग गया और बहू को भी भिगो दिया। तो क्या हुआ माँ, पहली बरसात में तो सभी नहाते हैं और ये कौन से मिट्टी के जो खुल जाएगी। कुछ तो है सोचो, इतनी भी अकल नहीं। अरे वो माँ बनने वाली है। क्या? जरा भी खड़ा नहीं अपना। देखो ऐसी लापरवाही नहीं चलेगी, मैं कह देता हूँ। मुझे मेरा गुस्सा नहीं मालूम, मैं बहुत सस्ता आदमी हूँ। तुम्हें हो क्या गया? ये तेरे भीगने का वक्त है। देखो मैं कह देता हूँ, मैं जरा भी हिलने नहीं दूंगा। वहीं लेटना होगा, सारा दिन वहीं लेटना होगा, समझी? समझ गया। मुझे साड़ी तो पहनी थी। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? साड़ी बदलने दोगी या नहीं? अच्छा ये बताओ, लड़का होगा या लड़की? मुझे क्या मालूम? मुझे मालूम है लड़का। मैं कैसे मालूम? एक जोशी ने बताया। जैसे तुम वैसा तुम्हारा जोशी, दोनों झूठे। नहीं वो बड़ा नामी जोशी है, सिर्फ ये बताता है लड़का होगा या लड़की। उसने मेरे एक दोस्त को बताया था कि लड़की होगी, तो लड़की ही हुई। अच्छा और क्या बताया उसने? किसके बारे में? हमारे बारे में। और किसके बारे में? उसने बताया कि हमारे 6 बच्चे होंगे, 4 लड़के और 2 लड़कियां। अच्छा। कमरे में पानी टपक रहा है, सिवाय तुम्हारे चारपाई के। तो कहाँ लेके जाऊँ मैं अपनी चारपाई? तुम यहाँ सो जा, मैं वहाँ सो जाऊंगी तुम्हारी चारपाई। तुम यहाँ सोगी मेरी चारपाई पे ताकि भीग जाओ? वाह वाह कितना ख्याल रखती हो तुम अपना। ले जाइए आप वहाँ चुपचाप से, मैं ना हूं तो ना जाने क्या कर बैठो।
लड़के को इंजीनियर बनाएंगे। डॉक्टर बनाएंगे। डॉक्टर? इंजीनियर। पूछो क्यों? क्यों? यह हमारा घर है ना, बहुत पुराना हो गया है, जगह जगह पानी टपकता है, इसलिए हम अपने लड़के को पढ़ाएंगे लिखाएंगे और इंजीनियर बनने के लिए फ्लैट भेजेंगे। जब वो वापस आएगा तो हमारे लिए एक नया मकान बनाएगा और उस मकान में पानी कहीं से भी नहीं टपकेगा। हाँ, ये भी ठीक है, लेकिन मेरा दिल कहता है उसे डॉक्टर बनाए तो अच्छा है। डॉक्टर दूसरे लड़के को बना देंगे, अभी तक तीन और बाकी हैं, पहला इंजीनियर, दूसरा डॉक्टर, तीसरा वकील। वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील और चौथा। चौथे को तुम्हारा मुंह बंद करना सिखा दूंगी। आगे बिहारी। अरे भाई, अरे मैं सुनील हूँ। सुनील साहब, मैं घर में नहीं। अरे क्या लगता है, तू तो मेरे सामने खड़ा है। अरे यार, तू अजीब दोस्त है मेरा। तेरे छोटे भाई ने कहा तू घर में नहीं और मैंने मान लिया। यहाँ मैं खुद कह रहा हूँ और तुझे मेरी बात का यकीन नहीं। अच्छा तो ठीक है, मैं जाता हूँ। हाँ, जब वो वापस आ जाए तो उसे कह देना कि मैं इंश्योरेंस कराने आया था। इंश्योरेंस? अरे अरे बाप दादा कहाँ है? अरे मैं क्या, मेरा बाप दादा परदादा सब यही है। अरे तो सही। अच्छा बोल, क्या पिएगा? चाय, कॉफी, सोडा, लेमन लस्सी, शरबत? बाकी बात ये कि जल्दी मैं बाप बनने वाला हूँ। वेरी गुड। अब मैं अपने बेटे की पढ़ाई की इंश्योरेंस कराना चाहता हूँ। अरे मुबारक हो। लेकिन कितने की? 2000 की। बस 2000? क्या उसे मिडिल तक ही पढ़ाने का इरादा है? नहीं, उसे विलायत भेजूंगा, इंजीनियर बनाऊंगा। लेकिन कम से कम 5000 की तो करवा। 5000? क्यों नहीं करा सकता? अच्छा तो ठीक है, उसे मिडिल पास करा के मेरे हवाले कर देना, मैं उसे फर्स्ट क्लास इंश्योरेंस एजेंट बना दूंगा। तू बनेगा तो वो इंजीनियर ही। अच्छा कर ले 5000 की इंश्योरेंस। बात ही ना। अच्छा पहले सिगरेट पिला भाई। लेकिन तूने तो छोड़ दी थी। नहीं नहीं, अब मैं तभी पीता हूँ जब मैं बहुत खुश होता हूँ। तो ये ले, मैं भी आज बहुत खुश हूँ। ला भाई। ये नहीं, ये जल्दी करो ना, मेला देखना कि चूड़ियां खरीदती रहोगी। अरे रवि, अच्छा क्या बनेगा, बिल्ली, बंदर, बकरी? रमेश तुम्हारे साथ है? और रमेश? कौन रमेश? मेरा रमेश, आज का रमेश। हाँ नहीं। तुझे तो किसी की नजर लग ही नहीं सकती बहू, भगवान ने काला तेल जो लगा दिया है तेरे मुंह पर। बहू तू तेरी मां ने काला कर, बड़ी अच्छी लगेगी। नहीं माजी, मुझे तेरी मां ही अच्छी लगती। देखो भाभी, मेरे दादा सुन रहे हैं। चल बेटे, पहले पूजा कर दो। Thank you.
अकेला तुझे जाने ना दूंगी, अकेला तुझे जाने ना दूंगी, बल्कि छैया मैं संग संग चलूंगी, अकेला तुझे जाने ना दूंगी, अकेला तुझे जाने ना दूंगी। केस ऑफ मिसकैरेज, बच्चा मर चुका है, बदन में जहर फैलने का अंदेशा है, ऑपरेशन करना होगा। क्वाइट सीरियस। क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, बता मुझे बता क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? कुछ नहीं माँ, ऑपरेशन होगा। तो ठीक है डॉक्टर साहब, ऑपरेशन कीजिए। बड़े सर्जन साहब को बुला भेजा है। माँ तुम घर जाओ, अनु तुम साथ ले जाओ। माँ मुझसे नहीं जाया जाएगा, मुझसे नहीं जाया जाएगा। घबराओ नहीं माँ, मामूली ऑपरेशन है, ऑपरेशन तो यहाँ रोज ही होते हैं। और फिर माँ रात को मरीज के पास रहने के सिर्फ एक आदमी को इजाजत है। चलो मुझे मत भेजो बेटा, मैं चली भी गई तो क्या, मेरा मन यही रहेगा, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, हम भी नहीं जाएंगे।
चलो बाबा चलो, जाना ही पड़ेगा, जाना ही जाता, मेरा दम घुट रहा है। पर अस्पताल तो सब बंद हो चुका होगा माँ। तो मैं बाहर ही से देख लूंगी, कम से कम तसल्ली तो हो जाएगी। पर नजर क्या आएगा माँ, बाहर तो ऊंची ऊंची दीवारें हैं, सुबह होते ही चली जाना माँ। चलो माँ सो जाओ, आप सो जाओ माँ। हाँ तू जा, तू जा ना। जिंदगी भर नहीं भूल सकता, कभी नहीं भूल सकता। अरे भाई होश तो आ ले। डॉक्टर साहब मैं जितनी बार आपका शुक्रिया अदा करूं कम है। डॉक्टर साहब मैं एक सिगरेट पी सकता हूं? हाँ हाँ क्यों। वैसे तो मैंने छोड़ा हुआ है लेकिन जब मैं बहुत खुश होता हूं तो पी लेता हूं। जरूरी बात कहनी, सोचा था बाद में कहूंगा। क्या बात है डॉक्टर साहब? बात यह है कि ऑपरेशन बहुत टेढ़ा था, मुझे अफसोस है कि अब वो कभी मां न बन सकेगी। डॉक्टर पेशेंट को बचाने का यही एक तरीका था। उसे तो नहीं मालूम? नहीं, और मेरा ख्याल उसे मालूम भी नहीं होना चाहिए जब तक वो ठीक न हो जाए। ठीक होने के बाद भी नहीं डॉक्टर, कभी भी नहीं, बर्दाश्त नहीं कर लड़का।
अभी उदास हो गई, डोची वाली बात भूल गई। अभी तो तीन लड़के और दो लड़कियां बाकी हैं। देख, तू पहले लड़के को डॉक्टर बनाना चाहती है ना, तो ठीक है, पहले को डॉक्टर ही बनाएंगे और इंजीनियर दूसरे लड़के को बना देंगे, और जब वो विलायत से इंजीनियर बनकर आएगा तो हमारे लिए एक नया घर बनाएगा, उस घर में पानी कहीं नहीं टपकेगा, कहीं नहीं टपकेगा। अच्छा मैं जाता हूं, फिर शाम को आऊंगा। लो संभालो अपना घर। तुमने ऐसी आदत बिगाड़ दी है मेरी, क्या मुझसे घर का काम ही नहीं होता। निराश न हो, भगवान ने चाहा तो ये पन्ना जल्दी ही तुम चलाऊंगी। लोरी मैं सुनाऊंगी, वो ये जो सुनील को सुनाया करती थी। भाभी भाभी, देखो मेरी गुलाब भरने वाली है, जानते हो इसमें कितना माल है? 500 हिस्ट्री के नोट से क्लास में भूल आई, मुझसे ले लेना, मैं लिखवा दूंगी। नहीं, मुझे आई रात ही याद करने। कब से वेट कर रहा हूं, तुम्हारा क्लास छूटे तो 15 मिनट हो गए। क्या करती, वो चुड़ैल थी ना मेरे साथ, बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ाया। चुड़ैल गई। बैठो। तुम्हारी साइकिल पर बैठकर बहुत डर लगता है। क्यों, मैं तो दोनों हाथ छोड़कर चला सकता हूँ। साइकिल पर बैठने से डर नहीं लगता, डर लगता है किसी ने देख लिया तो क्या होगा। क्या होगा, भाभी को पता चल गया मरम्मत हो जाएगी। भाभी से डरती हूँ तो फिर पढ़ने लिखने से क्या फायदा। जो तुम नहीं डरते? नहीं, माते से भी नहीं डरते? आई डोंट बी सिली। पिताजी से भी नहीं डरते? नहीं। वाह, बड़े हिम्मत वाले हो। समझती क्या हो मुझे, अरे बापरी। क्या हुआ ना? पिताजी थे उस कार में, कहीं उन्होंने मुझे देख तो नहीं लिया। हाँ शायद। शायद क्यों, तुम तो कहते थे तुम्हें पिताजी से डर नहीं लगता। तुम साथ थी ना, तो क्या हुआ। तुम नहीं समझोगी इन बातों को, जो बातें घर में होनी चाहिए वो सड़क पर होने लगे तो जुलूस निकल जाता है। और फिर पिताजी की बात और है, मैं तुम्हारे तरह थोड़ा ही हूँ जो भाभी से डरूं। आओ बैठो। और कार वापस आ गई तो? आने दो, कौन डरता है। कार वापस आ गई तो हम ऐसा करते हैं, पैदल ही चलते। तुम चलो पैदल, मैं तो घर जाती हूँ, मुझे देर हो गई। अनु, देखो कल से हम बाद में मिला करेंगे। क्यों मिर्जा? अरे भैया, चलिए भाई साहब, मैं भी आती हूँ। सच कहता हूँ भाभी, आप जैसी स्त्रियां ना हो तो आधी इंश्योरेंस कंपनियां बंद हो जाए। अच्छा रसीद मैं कल पहुंचा दूंगा। नमस्ते।
हेलो, इतनी देर क्यों लगा दी? सुबह कहाँ था ना भाभी? आज कॉलेज में एक फंक्शन है। इंश्योरेंस वाला आया था, मैंने उसे पैसे दे दिए। क्यों दिए तुमने पैसे? आगे भी देने थे, पीछे भी। मैंने दे दिए तो क्या हुआ, इंश्योरेंस तो रखनी ही है। गुस्सा किस बात पे आ गया? बेटे को इंजीनियर नहीं बनाना क्या? बनाना क्यों नहीं? बात यह है लक्ष्मी, दफ्तर में काम बहुत होता है, मैं थक जाता हूँ। क्यों करते हो इतना काम? ना करूँ तो सब दफ्तर से निकाल दे। इतना ज्यादा किया तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। पढ़ने दो ना, बहुत दिलचस्प कहानी है। अच्छा, मैं पढ़ के सुनाती हूँ। एक छोटे से शहर में एक छोटे से घर के छोटे से कमरे में एक आदमी रहता था। उसने शादी कर ली। कुछ दिनों बाद वो अपनी बीवी से इतना उकता गया कि दिन रात किताब पढ़ने लगा। और जानते हो क्यों? क्योंकि उसकी बीवी बदसूरत थी। किताब उल्टी पकड़ रखी है, तभी तो उल्टा पढ़ रही हो। सीधी करिए, फिर मालूम हो जाएगा कि उसकी बीवी कितनी खूबसूरत थी। सब झूठ। नहीं, सच। और उसका पति उसे इतना प्यार करता था कि ये तो होने वाले इंजीनियर साहब के मुर्दे हैं। हाँ, तो कितना प्यार करता था? वो उसे इतना प्यार करता था कि उस पर अपनी हर खुशी निछावर कर सकता था। नींद पड़ी लोरी गाए, माँ झुलाए
कोई अच्छा सा पालना क्यों नहीं ले आती? ये क्या बुरा है, काम तो चल ही जाता है। हमारा पालना यहीं पड़ा है, भिजवा दूंगा। क्यों, आज नहीं कल तुम्हें भी तो जरूरत पड़ेगी उसकी। अभी देर, बहुत देर, मैं पालना भिजवा दूंगा। पालना सुधा घर भेज दो। क्यों, उसे इसकी जरूरत है। पागल हो गया है, भला अपनी चीज इस पर उठाकर कोई फेंक देता है। यहाँ बड़े बड़े तो खराबी हो रहा है, इसे तो अच्छे किसी काम आ जाए। और जब हमें जरूरत पड़ेगी तो? हमें कभी जरूरत नहीं पड़ेगी माँ। क्या मतलब? माँ, माँ डॉक्टर ने कहा था। डॉक्टर ने कहा था? क्या कहा था डॉक्टर ने? लक्ष्मी कभी हुआ नहीं बस।
को बांटना फिरे। आप देखो ना, और कुछ नहीं तो वो पालना ही उठाकर भिजवा दिया। बहुत सुधार के अंदर कोई बात नहीं बहू, हम नया ले आएंगे, इससे भी अच्छा, इससे भी सुंदर, सुनहरी बेल बूटी वाले चांदी की घंटी वाले। सच बताइए ना माँ जी, आपने मुझसे कभी झूठ नहीं बोला। माँ जी, क्या हमें इसकी कभी जरूरत नहीं? भगवान से यही मंजूर है बेटी। आ जाएंगे पर भी आपको कुछ नहीं दे सकी, कुछ नहीं दे सकी। नहीं लक्ष्मी नहीं, मेरी आंखों में देखो क्या है जो तुमने मुझे नहीं दिया। मुझे इन आंखों में एक अधूरी ख्वाहिश नजर आ रही है। मैं जब भी इन आंखों में देखूंगी वही ख्वाहिश नजर आएगी, पिता बनने की ख्वाहिश, इसे मैं कभी पूरा न कर सकूंगी। ये सब सोचने से फायदा, भूल जाओ लक्ष्मी, भूल जाओ ये सब।
दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? लक्ष्मी, हमारे सपने पूरे हो जाएंगे। मैं उसे अपना बच्चा समझकर पालूंगी। तुम कभी ऐसी बात मत कहना, तुम कभी ऐसी बात मत सोचना। मैं बस सोचूंगी जो मुझे सोचना चाहिए, मैं वही करूंगी जो मेरा धन है। का गुच्छा देते हुए कहा था कि ये एक बंधन है जो इस घराने की एक बहू को दूसरी बहू से मिलाता चला आया है। हाँ, तो ये बंधन टूटना नहीं चाहिए ना? नहीं, इनसे कहिए दूसरी शादी कर ले। ये बात सुनकर मुझे शर्म आ गई। तुम्हें कहते हुए शर्म ना आई? मैं जो कुछ कह रही सोच समझ के कह रही हूँ। मुझे ये घर प्यारा है, इस घर की खुशी प्यारी है, और इस घर की खुशी को बचाने का यही एक उपाय है। तुम मुझे सिखाने आई हो घर की खुशी क्या है, कैसे बचाई जाती है? तुम क्या समझते हो तुम्हें एक प्यारी रह गई हो इस घर में कि जो चाहा कह दिया, जो सोचा कर दिया? खबरदार, फिर कभी ऐसी बात मुझे निकाली तो। मैं अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ माँ बहू, मैं अभी जिंदा हूँ, मर नहीं गई। मैं आपकी विनती करती हूँ माँ जी, भगवान के लिए पाप। चुप रहो बहू। फिर कभी ऐसी बात मुझे निकाली तो तुम्हें मेरे सरो गंदे। माँ जी, गुण मेरे एक नही, ऐसे मनाऊं पीरवा। Thank you.
कहीं जा रही है ये चाबियों का गुच्छा साथ लेती जा। मैंने वापस लेने के लिए नहीं दिया था। भगवान के लिए मुझे जाने दीजिए, इसी में हम सबकी भलाई है। जा ही रही है तो जा, मैं कौन होती हूँ तुझे रोकने वाली। और फिर मेरा क्या है, शायद दो चार साल और जीना था, नहीं जीऊंगी, जल्दी मर जाऊंगी। पर जब मैं सोचती हूँ मेरे बाद इन बच्चों का क्या होगा, टिकू को कौन पढ़ाएगा, अनु को डोली में कौन बिठाएगा, तब मेरा दिल बैठ जाता। पर जब तू इतनी पत्थर दिल हो गई है कि इन बच्चों को, इस घर को छोड़कर जा सकती है, तो जा, तुझे कोई नहीं रोकेगा। रह गया इस चाबियों का गुच्छा, तो मरते समय कह जाऊंगी कि उसे मेरी चिता पर रख दिया जाए। जा, 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 मरे पूरे घर को छोड़ के जा रही थी, इतना ही नहीं सोचा कि तेरा तो बड़ा बुरा घर है, तेरे तो छोटे बड़े बच्चे हैं, यानू किसकी है, तेरी ही तो है, टिकू किसका है, तेरा ही तो है, तुझे इसे बड़ा करना है, पढ़ाना है, तुझे इसका प्यार करना है, और फिर एक दिन तुझे इन चाबियों का गुच्छा नई बहू को सौंपना है। पटका क्या? पटका। और तुझे शंभू? अगली। शाबाश। देखो बेटा,
लड़ना बहुत बुरी बात है, मगर कायरता से जिंदा रहना तो उससे भी बुरी बात है। अगर तुम पे कोई हमला करे तो अपनी हिफाजत के लिए लड़ना हमारा फर्ज है, डट के उसका मुकाबला करो। एक बात याद रखो, एक से एक लड़ो, और अगला अगर हार मान जाए तो उसे छोड़ दो, फिर उस पर हमला नहीं करना। जो उठाओ अपने अपने तौलियों साबुन और चलो नहाने चले। शाबाश करो। शाबाश। अच्छा तो फिर से चुटी के पर निकले, जो अपने मोहल्ले में जाकर खेलो और गेंद दो। धोबी पटका समझ बैठी है ये दुनिया दीवाना दीवाना, हमको समझ बैठी है ये दुनिया दीवाना दीवाना, पर मैं अगर पागल हूँ दुनिया है पागल खाना, पर मैं अगर पागल हूँ दुनिया है पागल खाना, दीवाना दीवाना, हमको समझ बैठी है ये दुनिया दीवाना दीवाना। चाल बिठंगी दुनिया दुरंगी मतलब की अंधी, हमको न पूछे पत्थर पूजे दौलत की बंदी। चाल बिढंगी दुनिया दुरंगी मतलब की अंधी, हमको न पूछे पत्थर पूजे दौलत की बंदी। धोखे में मत आ जा दुनिया से दिल लगाना, धोखे में मत आ जाना दुनिया से दिल लगाना, है बात ये पते की लोग है चला दीवाना दीवाना दीवाना, हमको समझ बैठी है ये दुनिया दीवाना दीवाना। हम सर के बल तुम सर के बल पैर तले अंबर, अंधा बांटे खुद को देवे किस्मत का नंबर। हम सर के बल तुम सर के बल पैर तले अंबर, अंधा बांटे खुद को देवे किस्मत का नंबर। हर शय पे है नजराना चुपचाप देते जाना, हर शय पे है नजराना चुपचाप देते जाना, है बात ये पते की लोग है चला दीवाना दीवाना दीवाना, हमको समझ बैठी है ये दुनिया दीवाना दीवाना। आँख पे अपनी पट्टी बांधो ढेर चाल चलना,
नदी नाला कुछ मत देखो तुरंत कूद पड़ना, आंख पे अपनी पट्टी बांधो भेड़ चाल चलना, नदी नाला कुछ मत देखो तुरंत कूद पड़ना, सब कुछ रहे अनजाना मत सोचना समझाना, सब कुछ रहे अनजाना मत सोचना समझाना, है बात ये पते की लोग है चला दीवाना, दीवाना दीवाना हमको समझ बैठी है ये दुनिया, दीवाना दीवाना पर मैं अगर पागल हूँ दुनिया है पागल खाना, दीवाना दीवाना हमको समझ बैठी है ये दुनिया, दीवाना दीवाना। अच्छा मोटर भी बनाऊंगा ये लो। अरे मुर्गा तो मैं सीधे बनाऊंगा, मुर्गा बनाने वाले मक्खियाँ बैठी है, काम कर रहा गट्टे को। अच्छा अच्छा ढाक रखता हूँ, ढक के रख। मुर्गा बनाऊंगा, मुर्गी बनाऊंगा, पोपड़ बनाऊंगा, साइकिल बनाऊंगा, मोटर बनाऊंगा, गट्टे वाला। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, कि पानी को अगर ठंडा किया जाए तो क्या होता है, सोच के बताना। हाँ, पानी को ठंडा करे तो पानी ठंडा हो जाता है। और पानी को बहुत ठंडा किया जाए तो क्या होता है, पानी बहुत ठंडा हो जाता है। हाँ, और पानी को ठंडा करते ही जाए करते ही जाए तो क्या होता है, पानी ठंडा होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है। अच्छा पानी को बिल्कुल ठंडा कर दिया जाए तो क्या होता है, बिल्कुल ठंडा हो जाता है। चल बच्चू, बच्चू क्या क्या खुशबू बन जाएगी। अरे वाह मेरे टिकू बेटा, दूध को अगर ठंडा करते ही जाए तो उसकी बन जाती है कुल्फी, मगर पानी को अगर ठंडा करते जाए तो क्या बनता है। अरे वाह 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 वाह, वो शंभू ने दिखता है ना, बीमार है, बीमार है, खा लिया हुआ कुछ हल्लम कल्लम। नहीं मस्तू चाचा, उसने गट्टा खाया था, मैंने उसको लेके दिया था। गट्टे वाले को लाख बार समझाया है, कपड़े से ढक के गट्टा बेचा, गट्टा नहीं बीमारियां बेचता है। और वो चुन्नु किधर है, मतलब क्या क्या बीमार है, इनमें रोज चार बार गट्टे खाता है। आओ मेरे साथ, मैं आज आपको बताता हूँ वानर सेना कैसे लड़ती। अरे अकेले मोटर जाइयो राग जमुना किनारा, अब उधर ये काला छोकरे पकड़नी मत तोरे राम जाने तो पागल है, अरे घर वाले से बोल रहे थे, बल्ले से
में हमारी शराफत का। सारे गली मोहल्ले वाले आपके दुश्मन थे, फिर भी आपको अपने घर में जगह दे रखी। उल्टी बातें सिखाते हैं बच्चों को। बहू, तुम भी समझती हो मैं उल्टी बातें सिखाता हूँ? ये क्या है, आए दिन लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद। नहीं चाहिए हमें ऐसा किराया था। चल टीकू, आप अपना बंदोबस्त कहीं और कर दीजिए, अब हमसे और सहा नहीं जा सकता। मैं और ज्यादा बोझ नहीं बनना चाहता। किराया मेरे पास था ना है, होता तो जरूर चुका देता। मेरी पूंजी मेरी किताबें हैं जो मैं छोड़ के जा रहा हूँ, किराए के बदले नहीं, बच्चों के लिए, ताकि वो इन्हें पढ़ें और मुझे याद करें, वो बनने की कोशिश करें जो मैं नहीं बन सका। मस्तु कोई बीमार पड़ गया है। समझ में नहीं आता बच्चों को किस तरह घर में बिठा कर रखूं सारा दिन। तुमसे कहा तो है माँ, बच्चों को मामा के यहाँ भेज देते हैं, स्कूल की छुट्टियाँ भी तो हैं। लेकिन बेटा अकेले कैसे जाएंगे? किसी के साथ भेज देते हैं, वापसी भी मामा खुद ले आएंगे। ठीक है तो फिर देख लो कोई अपना आदमी जाता हो तो। अकेला कहाँ, अनु भी तो जा रही है तेरे साथ। अनु जाती है तो जाए, मैं नहीं जाऊँगा। अरे वाह, वो लड़की है, अकेली कैसे जाएगी? उसके साथ कोई बड़ा आदमी भी तो होना चाहिए। नहीं नहीं, माँ से जाएगी तो मैं जाऊँगा। तुम चलो, माँ जी भी आ जाएंगी। कब? मैं भेज दूंगी दो तीन दिन बाद। सच्ची? मैं कह जो रही हूँ। मैं शंभू को लेकर। नहीं शंभू के यहाँ नहीं जाना चुकू। क्यों बेटा, मैं आने दो ना। माँ, अगर इसे शंभू के यहाँ जाने देना तो यहाँ से मामा के यहाँ भेजने का क्या फायदा? भैया मैं ऊपर से अपनी पतंग लेके आता हूँ। शंभू, मैं मामा के यहाँ जा रहा हूँ। शंभू, तू बहुत बीमार है, माँ ने दवाई नहीं दी। वो अपने काम कर सकते को, और बापू जी वो डॉक्टर करते, मुझे बड़ी नींद आ रही है। अच्छा तो सो जा, मैं माँ के पास चला जाऊंगा। तारा बन के छोटा शंभू
रो क्यों रही हूं बहू? नहीं तो आपको तकलीफ हो रही है ना माँ जी? तकलीफ कैसी बहू? वो तो उसी दिन मिट गई थी जब तुम बहू बनकर आई थी हमारे घर में। अब तो सुख ही सुख है। सुख शांति। बहू जरा पानी लेना। ये नहीं दूसरा। दूसरा? हाँ वो पीछे। तुझे किसी की नजर नहीं लग सकती। माँ की मान्यता दे सकती हो, वो मिलेगी, उसका बचपन बहल जाएगा। मैं कोशिश करूँगी। दीपू, स्कूल जा रहा है, डिब्बा तो लेकर जा। और ये दूसरा, ये सीधे। मीठा कम है? जो खांदे ली था डकमगाए तो गिर पड़े महसन उतरे का मुझे तो कितने कहा बिहारी जी ने नहीं जी ने नहीं कबीर जी ने कहा है। अच्छा तो अब मैं पूछता हूँ, जिंदगी जवानी दौलत सब वक्त के धारे में बह जाएंगे, अमर रहेगी तो प्यार के आंसू की एक बूंद, वो बूंद जो ताजमहल है। बताओ ये किसकी बोल है? किसी के नहीं तुम्हारे। हट, गुरुदेव टैगोर के हैं ताजमहल के बारे में। अच्छा एक बात बताओ, मैं मर गई तो तुम भी मेरी याद में एक ताजमहल बनाओगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, असली ताजमहल से भी अच्छा गुलाबी संगमरमर का। झूठे कहीं के, गुलाबी संगमरमर भी कहीं होता है? होता क्यों नहीं, इटली में होता है, वहाँ से मंगवा लूंगा। सच? पर इतनी दौलत तुम्हारे पास कहाँ से आएगी? तुम्हारे मरने तक तो कमा ही लूंगा। तुम तो यही चाहते मैं कल ही मर जाऊं। मरना तो पड़ेगा ही। क्यों? मरोगी नहीं तो गुलाबी ताजमहल कहाँ से बनेगा? अच्छा प्रेम है तुम्हारा, मेरे मरने के बाद तुम जिंदा रहोगे? झूठे कहीं के, तुम उसे प्रेम नहीं करते और मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। अनु अनु लेकिन सुनो तो मेरी। क्या हुआ? मर गई, हमारी पुरानी नौकरानी है उसने देख लिया। तो क्या हुआ? घर जाके भाभी से शिकायत कर दी तो? पागल हो गया? अब तो वो तुम्हारे यहाँ नौकरी नहीं करती, फिर कैसे शिकायत कर देगी? फिर भी दिल धड़क कर रहा है मेरा। अरे छोड़ो इन बातों को, लो टॉफी खाओ। खाओ। नहीं मेरा जी नहीं करता। नहीं खाओ।
देख जानकी, ये बात किसी दूसरे को न मालूम। हाँ हाँ, जैसे मैं ढंडोरा पीटती फिरती हूँ, दूसरा काम नहीं मुझे। सच कहते हैं लोग, माँ मर जाए बच्चों की देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। मेरा क्या है, जो जी चाहे करो। एक बजी अन्नू की अब वो उम्र नहीं कि मनमानी करती थी। अभी उसे रोको, बात बढ़ गई तो मुख की जगह सही होगी। कहाँ गई थी भाभी? मेरी सहेली है शीला, उसके साथ झूठ। तो जहाँ भी गई थी मैं नहीं चाहती कि तू फिर कभी वहाँ जाए, या फिर कभी ऐसा काम करे जिसके लिए तुझे झूठ बोलना पड़े। अन्नु, तू कॉलेज पढ़ने के लिए जाती है, जिंदगी की अच्छी बातें सीखने के लिए, ये समझने के लिए कि तेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा। कुछ बातें ऐसी होती हैं ना जो अच्छी लड़कियों को शोभा नहीं देती। और मैं क्या कहूं, तू समझ गई होगी। तुझे कॉलेज से कितने बजे छुट्टी होती है? 3 बजे। कल से मैं जाऊंगी तुझे कॉलेज छोड़ने, मैं ही वापस ले आया करूंगी। क्या बात है लक्ष्मी, चुप क्यों हो? सोच रही थी अन्नु। क्यों अन्नु, क्या हुआ? अन्नु अब शादी के लायक हो गई है, उसके लिए लड़का तलाश करना चाहिए। अरे ऐसे नहीं, क्या जल्दी है, अभी तो बीए पास करने में उसे 3 साल और लगेंगे। बीए तो वो शादी के बाद ही कर सकती है। इतने से क्यों नहीं कह देती कि तुम उसे घर से बाहर निकालना चाहती हो? नहीं, मेरा मतलब था अभी से फिक्र करनी चाहिए लड़का तलाश करने। अच्छा बाबा अच्छा, ढूंढूंगा ढूंढूंगा। कहो तो टीकू के लिए भी दुल्हन तलाश कर लूं। टीकू सो गया? आदि टीकू आ गया है, खाना दे दो आके। टीकू भाग गया था क्या? हाँ, मैंने उसे सुधा के यहाँ भेजा था। सुधा के यहाँ भेजा था? क्यों, ये वक्त है बच्चे को बाहर भेजने का? इतना जरूरी काम था तो मुझे कह दिया होता, मैं चला जाता। टीकू, तू इतनी देर से बाहर क्यों रहता है? तेरे लिए मुझे तेरे भैया से कितना झूठ बोलना पड़ता है। कल से तो जल्दी आएगा ना? अच्छा अन्नू, मैं 3 बजे तुझे यहीं मिलूंगी। अरे शंभू, टीकू तो स्कूल गया है, तू यहाँ क्या कर रहे हो? पढ़ने क्यों नहीं गया? मैंने स्कूल छोड़ दी। क्यों? मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगा। अच्छा कैसे लगे, घर वालों ने पैसे जो नहीं दिए थे। हाथ तंग है क्या? तुम तो जानती नहीं हो, तो अकेली माँ है बेचारे की। ठीक है, ठीक है।
हमारा चीकू आज स्कूल नहीं जा रहा था। कहने लगा शंभू नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। क्या बात है बहन, आजकल शंभू स्कूल क्यों नहीं जाता? उसका पढ़ाई में जी नहीं लगता। तो उसे समझाना चाहिए ना। बच्चे ही तो हमारी उम्मीद है, बड़े होकर वही तो हमारा सहारा बनेंगे। मेरा बेटा हो तब ना। टीकू भी कौन सा मेरा बेटा है, पर उससे क्या होता है। स्त्री का गुण जन्म देना ही तो नहीं, उसकी शोभा तो माँ बनने में है। यशोदा मैया की गीत सारी दुनिया गाती है। कन्हैया जी के उनके अपने बेटे थे। मैंने सोचा शायद आजकल आप लोगों का हस्तंग हो, घर गृहस्थ में तो ऐसा होता ही रहता है। मैं कुछ पैसे लाई हूँ शंभू के फीस के लिए, रख लो, जब हो तो लौटा देना। मैं चलती। घर वालों से ज्यादा पढ़े लिखे ज्यादा समझदार हैं। हम अपना भला बुरा खुद समझ सकते हैं, उन्हें क्या हक पहुंचा है हम पर पाबंदी लगाने का। लेकिन अब करना क्या चाहिए, भाभी तो मेरा घर से निकलना ही बंद कर देगी। कैसे बंद कर देगी, क्या तुम बच्ची हो? अब हम बड़े हो गए, हम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। एक काम करते, हम दोनों घर छोड़कर बंबई चले जाते, क्यों? हाँ ये ठीक है, मैं नौकरी करूंगी तुम पढ़ना। नहीं, मैं नौकरी करूंगा तुम पढ़ना। अच्छा, दोनों ही नौकरी करेंगे और दोनों ही पढ़ेंगे। ठीक है, तुम घर जाकर अपना सामान ले आओ, मैं अपना ले आता हूँ। शाम को ठीक 5 बजे गाड़ी छूटती है, वही स्टेशन पर मिलेंगे, मैं तुम्हारा टिकट खरीद रखूंगा। देखो डरना मत। डरता कौन है, भाभी ने कुछ भी कहा तो खरी खरी सुना दूंगी। क्यों माने नहीं होगी, मुझे कोई नहीं मारेगा, मैं भी तेरे साथ जाऊंगा, मेरी भाभी भी अच्छी नहीं है। तो जाएंगे कौन? हाँ हम मामा के यहाँ चलते हैं, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं और तुझे भी प्यार करेंगे, वो किसी को नहीं मारेंगे। और जाएंगे कैसे, पैसे तो नहीं है हमारे पास, मेरे पास है ना गुल्लक में बहुत सारे पैसे। अच्छा तू यहाँ बैठना, मैं अभी लेके आता हूँ। बच्ची नहीं हूँ, मैं भी बड़ी हूँ, तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपना बुरा भला सब समझती हूँ, मैं तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ, ज्यादा समझदार हूँ। अन्य मैं वही करूँगी जो मेरी मर्जी, तेरी मर्जी नहीं चलेगी। मैंने तुझे कॉलेज भेजा था, मैं तुझे रोक नहीं सकती हूँ। बस मुझे और कुछ नहीं कहना। क्या हो रहा? कुछ नहीं, अन्य से बातें कर रही थी। अजीब तरीका है बात करने का। Thank you.
तू समझती है माँ के मरने के बाद जो जीता कर सकती है, जिस पर जीता हाथ उठा सकती है? मैं समझता था तू एक माँ की तरह इन बच्चों का देखभाल करेगी, तेरे सीने में एक माँ का दिल होगा, तुझमें वो प्यार होगा जो सिर्फ एक एक, एक माँ अपने बच्चों को दे सकती है। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैं कह देता हूं फिर कभी इन पर हाथ उठाते याद रखना, यह हाथ तू इन पर नहीं मुझ पर उठाएगी। ज्यादा पढ़ी लिखी ज्यादा समझदार है ना, तूने जरूर सोचा होगा कि तेरे इस तरह जाने से इस चार दीवारी को जो कलंक लगेगा वो कैसे धुल सकता है। तूने ये भी सोचा होगा कि दुनिया वाले जब तेरे भैया पर हंसेंगे तो वो अपने आंसू कैसे छिपा सकेंगे। ये भी जरूर सोचा होगा कि मां की आत्मा को जो दुख पहुंचेगा वो कैसे दूर हो सकता है। अच्छा अच्छा मगर मुझे दुख है तो सिर्फ इस बात का, मैंने मां को जो वचन दिया था उसे पूरा न कर सकी, तुझे डोने में न बिठा सके, अपनी बेटी बनाकर तुझे पिता न कर सके, शायद स्त्री होते हुए भी मैं एक मां नहीं। मनु को जानते हो? हाँ तो नहीं नहीं मैं वो, हाँ वो शीला है ना, शीला की सहेली है। मैंने सुना है तुम उससे चोरी चोरी मिलते हो। मैं तो समझदार जब तुम उससे कभी मिले।
कॉलेज पढ़ने के लिए जाती है, जिंदगी की अच्छी बातें सीखने के लिए, ये समझने के लिए कि तेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा। कुछ बातें ऐसी होती हैं ना जो अच्छी लड़कियों को शोभा नहीं देती। मैं तुझे इतनी बुरी लगती हूँ, मैं जा रही हूँ टीकू, फिर कभी नहीं आऊंगी तुम लोगों को दुख दे। टीकू वहां क्यों खड़ा है, अंदर आ ना। तू बैठ मैं आती। शंभू तू घर वापस क्यों आ गया, अपने कपड़े लेने। देखो अब मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा, मेरी नैमा मुझसे प्यार करती है। देखो देखो ये पैसे अपनी भाभी को दे देना, कहना अब इनकी जरूरत नहीं, और कल स्कूल जाते वक्त शंभू को अपने साथ ले जाना। ये तो मेरे गुल्लक के पैसे भाभी ने दिए थे। हाँ शंभू की फीस के लिए। तू बड़ा भाग्यवान है टीकू, तुझे ऐसी भाभी मिली है जो बिल्कुल माँ जैसी। टीकू मैं तुझे इतनी बुरी लगती हूँ, मैं जा रही हूँ टीकू, फिर कभी नहीं आऊंगी तुम लोगों को दुख देने। भाभी जाने कहाँ चली गई? चली गई? भैया अभी भी भाभी डैम की तरफ दौड़ी जा रही थी और तुम भी बड़े परेशान हो, खैरियत तो है? डैम की तरफ? हाँ Thank you.
भाभी तुम उदास हो? अन्नू चले गए इसलिए? तो क्या हो गया? मैं जो हूँ तुम्हारे पास, मैं तुमको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा।